दोस्तों अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ मोहतरम दोस्तों, अभी हमारे साथ हैदर भाई है जी। और ये हमें जिस बारगाह पे लेके जा रहे हैं वहाँ पे आप लोगों की ज़ियारत करवाऊँगा और वहाँ की पूरी जानकारी ये हमें ज़रूर देंगे। ज़रूर। तो ये दरबार के बारे में बताइए थोड़ा। जी, जहाँ हम जा रहे हैं उन बुज़ुर्ग का नाम हज़रत बाबा दिलदराज खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह है। दिलदराज खान साहब जी, आपका सालाना उर्स 2 मार्च को मनाया जाता है। अभी कल ही आपका 316वां उर्स मनाया गया है। अच्छा अच्छा। और आपकी कहानी ऐसी है कि आप कई सालों से इसी जगह पर इसी जंगल में इबादत किया करते थे। यहाँ एक इमली का झाड़ हुआ करता है, मैं आपको बताऊंगा दरबार के करीब, तो सरकार उसी के नीचे बैठ के अपनी इबादत किया करते थे। एक मरतबा की बात है कि एक इधर राजा बख्त बुलंद शाह, आपने नाम सुने होंगे, वो अपनी फौज के साथ इधर से गुजर हो रहा था। उनका तो उनकी फौज पानी के लिए बहुत तलाश में थी, लेकिन उनको पानी नहीं मिला था। तो सरकार के पास आए तो उन्होंने सरकार में तलब की कि सरकार हमको पानी नहीं मिल रहा है। तो जब वो देख के गए थे तो इधर एक नहर हुआ करती थी। अच्छा। जो कि आज भी है, जो बारिश में अच्छी काफ़ी बहती है। तो सरकार ने फरमाए थे कि इधर से पानी ले लो, तो वो बोले कि नहीं, हमने सब देख के आ गए, पानी नहीं है। तो सरकार जहाँ बैठते इमली के झाड़ के पास, तो वहाँ पे एक कुआं है, बहुत कई सालों पुराना कुआं है। जी, जी, जी। तो सरकार ने फरमाए थे कि वो कुआं है वहाँ पे, वहाँ से पानी ले लीजिए। तो फिर जैसे ही वो राजा वहाँ गए तो उनको वहाँ पे इतना पानी दिखा कि उनकी पूरी वहाँ पे पड़ाव डाले उन्होंने, वहाँ पे उनकी फौज ने पूरा पानी पी। तो वो राजा ने सरकार की खिदमत में इतना पूरा इलाका जितना आप देख रहे हैं, ये जी, पहाड़, इस पहाड़ से लेके उस पहाड़ तक का और इस पहाड़ से लेके इस पहाड़ तक का जितना भी इलाका है सरकार को नजराना में पेश किया। तो सरकार के पास अपने 2 खादिम छोड़े खिदमत के लिए और फिर वो आगे बढ़ गए। और जितनी भी ये जगह देख रहे हैं आप, जहाँ यहाँ तक कि जो हमारे हजरत का भी जहाँ मज़ार है, वो जो जगह है वो भी हजरत के ही इलाके में आती है। जी, जी, जी। ये पूरी जगह सरकार की ही जगह है, और जहाँ हम रहते हैं और जहाँ सब आते जाते हैं, जिनकी सब खेतियाँ हैं, ये सब सरकार की जगह है। इंशाल्लाह अभी हम चल के ज़ियारत करेंगे। चलिए हजरत की बारगाह पे चलते हैं और आप तमाम लोगों की हाजिरी करवाता हूँ। ये रास्ते का माशाल्लाह दोस्तों, देखिए यहाँ से हम लोग अभी नीचे उतरेंगे। हजरत का क्या नाम बताएं? हजरत बाबा दिलदराज खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत बाबा दिलदराज खान साहब, हजरत बाबा दिलदराज खान साहब की बारगाह शरीफ पे हम लोग अभी जा रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ से अभी नीचे उतर रहे और यहाँ पे बड़ी गाड़ी नहीं जाती, नहीं ना ही टू व्हीलर जाती है, पैदल रास्ता है बस। हमें यहाँ से देखो, आप देख सकते हैं ये सब नज़ारे, पैदल ही जाना है यहाँ से। कल हुआ ना जी, कल की क्या तारीख थी? 2 मार्च। 2 मार्च तो यहाँ पे सरकार का सालाना उर्स 2 मार्च को सालाना उर्स मनाया जाता है। और माशाल्लाह यहाँ पे आने वाले साल में इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर तशरीफ़ लाऊँगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। ये पूरी खेती है ना? जी, ये खेती है। ये सब जो फिर जो खादिम लोग थे उनके बाद जो फिर खिदमत गुजारी करते थे सरकार की, जी, उनको जी, तकसीम जी। होती गई है। एक सिद्दीकी खानदान है यहाँ पर, उनकी है ज़्यादातर जगह, उन्हीं की है ये। माशाल्लाह। तो दोस्तों माशाल्लाह हज़रत बाबा दिलदराज औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह शरीफ पे अभी इस वक्त मैं तशरीफ़ ला चुका हूँ। और मेरे पीछे जो दरगाह शरीफ नज़र आ रही है, यहाँ अभी हम अंदर जाएंगे और आप तमाम लोगों की हाजिरी और सलाम और आपके हक के लिए आपके लिए दुआ खैर की जाए। चलिए अंदर चलते हैं। देखिए माशाल्लाह पूरा नज़ारा ही, माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों ये हजरत की बारगाह शरीफ, माशाल्लाह मज़ार अक़दस, हजरत बाबा दिलराज दिलदराज खान साहिब रहमतुल्लाह अलैह, तारीख़ वफ़ात 4/2/1708। देखिए वफ़ात की तारीख आपको माशाल्लाह।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मज़ारे पाक हज़रत बाबा दिलदराज खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। माशाल्लाह माशाल्लाह काफी पुराना। आपकी तारीख 4 मार्च 1708 है। सन 1708 में सरकार का विसाल हुआ है। जी 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 316 साल हो चुके सरकार को। 316 साल हो चुके पर्दा किए और कल ही सरकार का 316वां मनाया गया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शान शौकत से मनाया गया है उस सरकार का। जी 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 हमारी बदनसीबी जो हम कल ना आ सके। नहीं नहीं ऐसे तो जब पहले बुला लें बेशक। अब सरकार ने यहाँ बुलाया है तो हमारी हाजिरी भी कबूल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और तमाम जितने भी ऑडियंस है जितने लोग मेरे चैनल को देखते हैं तमाम सब्सक्राइबर तमाम लोगों के लिए दुआएं खैर करूँगा और अल्लाह ताला इनकी दुआओं के सदके तोहफे तमाम लोगों की जायज मुरादें पूरी करे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह ये सरकार इस बार में हमारे दादा हुजूर हजरत जी बाबा शेख अब्दुल कदीर पाशाही साहब जब रायपुर से आया करते थे शुरुआती दौर में। जी जी तब आप कई कई दिन करीब 7 दिन 8 दिन 10 दिन इसी मज़ार पर चिल्ला किया करते थे। यहीं पूरे मुरीद आते थे यहीं लंगर चलता था जी और यहाँ पे सरकार का उर्स भी मनाया जाता था यहाँ महफिलें समा होती थी। बेशक मतलब सरकार से मिलने वाले जितने भी आशिक थे सब यही मतलब डेरा डाल के जमे रहते थे। आशिक फिर 7-8 दिन तक के वो वैसा ही मजमा यहाँ लगा रहता था सरकार का बड़ी बड़ी शान। यानी जो राजा बख्त बुलंदशाह है जी जी उस दौर में जो राजा थे पूर्ण राजा जी जी पूर्ण राजा जो उनके दौर के माशाल्लाह। तो आपकी करामत तो वो जो आपकी करामत नहीं है जो मैंने आपको आने से कबल बताया कि सरकार ने इस कुएं से उन्हें पानी अता किया था। मैं आपको कुएं की भी जियारत कर चलिए कुआ भी बहुत सालों पुराना है। तो दोस्तों हजरत की बारगाह पे मैं भी हाजिर दूंगा और आप तमाम लोगों की हाजिरी पेश करूंगा। जा रहा हूँ जहाँ पे बावड़ी है काफ़ी सालों पुरानी बावड़ी है। उस बावड़ी का नज़ारा भी आप लोग देख सकते हैं बहुत पुरानी जगह है। देखिए ये बावड़ी कुएं
कैसे सरकार ने वो राजा को पानी पिलाया? इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। यही वो कुआ है, बावड़ी है, जिससे सरकार ने राजा भक्त बुलंद शाह की पूरी फौज को पानी पिलाए थे, और इसका पानी बहुत मीठा है। आप सभी तबरुक के तौर पर पिए इसे, और पानी में शिफा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो नियत करके पिएगा आदमी ला इलाही बीमारी से भी अल्लाह ताला उसको शिफा याफ्ता करता है। ये होती है शान औलिया अल्लाह की। तो दोस्तों देख सकते हैं आप ये बावड़ी, मैं नज़दीक से आपको दिखाऊंगा। ये हजरत की बावड़ी, हाथ से पानी पिए और बताओ। ये पानी मीठा पानी है, बेशक बेशक बेशक। दोस्तों ये तबरुक के तौर पे मैं भी सरकार के बावड़ी का पानी पी रहा हूँ। क्या मीठा पानी, वाकई माशाल्लाह। ये क्यों ना हो, ये तो औलिया अल्लाह है ना। बेशक। ये बाहर किसके मज़ार है? ये बाहर दरबार खादिम मरहूम मोहम्मद गफूर सिद्दीकी साहब, उनकी कब्र है ये। बाबा पानी पीना आप? तो हो गया ना यहाँ का? जी जी हो गया। ओके थैंक्स भाई। तो दोस्तों हमारे भाई भी आ जाते हैं, आ जाइए। जी 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 जी, ये पानी पिला रहे हैं, बहुत सवाब का काम होता है पानी पिलाना। हमारे यूनुस भाई, यूनुस भाई यहाँ के खिदमतगार हैं और हजरत की खिदमत करते हैं। दोस्तों हमारे हैदर भाई है ना। जी जी, हैदर भाई ने भी पानी नोश फरमाया। उसके बाद में अभी तमाम ज्यारतें हाजिरी तमाम चीज़ें हो गई है। हजरत का कुएं की भी ज्यारत करवाई मैंने। तो दोस्तों मेरा नाम माशाल्लाह, दोस्तों हमारे यूनुस भाई सरकार के कुछ मुख्तसर करामत तो करेंगे जी। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कक्षा नवी में पढ़ता था, तो जामुन का झाड़ मुझे मालूम नहीं था कच्चा होता है। अच्छा, उस वक्त पांचवा नंबर का झाड़ था, सबको जामुन खिलाया, चाचा बड़ब्बा के लड़के थे। हुआ क्या, वो खांदी टूट गई और काफ़ी ऊंचाई से टूटने के बाद, जैसा सीमेंट का पोल होता है कि नहीं उतना, वो जैसा दिख रहा है ना उतना, तो मुझे सरकार की रहमत ऐसी हुई कि जैसा कोई धीरे धीरे ला के मुझे सुला दिया गया। ये तो हो गया। फिर हुआ क्या मेरे साथ कि मैंने अपने पीर साहब का नाम लिया और हजरत बाबा दिलदराज सरकार का नाम लिया। कुछ समय में जैसा कोई थर्माकोल का कैसा खड्डा होता है, पूरी की पूरी मजार वहाँ आ गई। और हमारे पीर साहब उस वक्त रायपुर में रहते थे, दो दो माह में आया करते थे। तो मैंने उनको पूरा बताया, तो बेटा बोले होता क्या है, आपने मेरे को फेस टू फेस देखा है इसलिए पहचान लिया कि ये मेरा पीर है। और ये इनको पर्दा हुए 1708 ईस्वी, तो अगर ये बुजुर्ग आ भी जाते, मैंने तो उनको देखा नहीं, मैं भी जो भी है सजदा सलाम सब मजार पे। तो मेरे पीर साहब ने मुझे बताया, बेटा बोले मेरा मुरीद अगर विदेश में भी होऊंगा, अब मुसीबत में है, मैं विदेश तो गया नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी हिफाजत के लिए मैं वहाँ भी आऊँगा। बिल्कुल बेशक बेशक, माशाल्लाह। ये करिश्मा मेरे साथ हुआ है। तो इससे ये साबित होता हाँ। है कि जो पीर होते हैं हाँ। अपने मुरीद का दामन वो भी हाँ। नहीं छोड़ते। हजारों की किलोमीटर दूर अगर मुरीद उनको पुकारेगा, चाहे वो जंगल हो बियाबान हो, पीर उनकी मदद के लिए जरूर आएंगे। और ये पीर साहब के बारे और में मेरे पीर साहब ने ये भी कहा है, बेटा बोले मेरा मुरीद कितना भी गंदा हो, मैं उसको बहुत अच्छे से सफाई से एक दिन पूरी कोशिश करूंगा एक नेक इंसान बनाने की। ये मेरे पीर साहब ने कहा है मुझे, और मेरे से जितना बनता है मैं ज्यादा से ज्यादा बंदगी में रहता हूँ सरकार की। नमाज पढ़े, बिल्कुल बिल्कुल, इबादत करे और बुजुर्गाने दिन की खिदमत करे, यही हमारा असल काम है। क्योंकि अल्लाह की इबादत के बाद सारे काम आप अंजाम कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे, इन्होंने एक करामत पेश की। दिलदराज औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह शरीफ की। चलिए, हज़रत बाबा दिलदराज खान रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की हाज़िरी और यहाँ के तमाम नज़ारे आप लोगों की खिदमत में पेश किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, दुआओं में याद। चलिए मिलते हैं अगले सफ़र पर।
एक और बुजुर्ग की बारगाह में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।